그런 것들. नमस्कार। पहले तो आपको सबको गुरु नानक देव जी के गुरपुरब की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और इस गुरपुरब पर पूरे सिख समुदाय में एक अलग प्रकार का उत्साह है और उस उत्साह में आज भारत सरकार ने एक बड़े फैसला किए हैं। मोदी जी सरकार ने एक बड़ा फैसला किए हैं कुछ, उसके कारण से जितने गुरु नानक देव के नाम लेवा हैं, जब मैं गुरु नानक देव के नाम लेवा कहता हूँ उसमें सिख बंधु नहीं, दुनिया भर में बहुत कम्युनिटीज हैं जो गुरु नानक देव जी को मानती हैं। सिंधी समाज हैं, ऐसा माना जाता है दुनिया भर में लगभग 12 करोड़ गुरु नानक देव जी के नाम लेवा हैं। आज उनमें सब में आज जो फैसला भारत सरकार ने किया है, इस 550वें साल की जो शुरुआत कल से होगी उसको लेकर, भारत सरकार ने जो जो फैसले किए हैं उसको लेकर सिख समुदाय में एक बहुत उत्साह है। मेरे साथ आज इस प्रेस वार्ता में सरदार त्रिलोचन सिंह जी, हमारे फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं राज्यसभा में, मिनोरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, अभी जलियांवाला बाग के ट्रस्टी भी हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति बनी है 550वें साल के मनाने के उपलक्ष में, गुरुपुरब के मनाने के उपलक्ष में, उसके सदस्य भी हैं। जब ये फैसला आया तो सरदार त्रिलोचन जी का मुझे फोन आया ये कहने के लिए कि ये सारे बिंदु जो अभी बैठक हाल में हुई थी सब बिंदु उन्होंने उस बैठक में रखे थे और भारत सरकार ने लगभग सारे बिंदु मान्य किए हैं और बड़े खुश थे। तो मैंने कहा आज आप हमारे साथ हमारी प्रेस वार्ता में आए और क्या क्या फैसले कैसे कैसे हुए क्या क्या उसकी एक संपूर्ण जानकारी दें। इसमें आज वाले जो फैसले हैं उसमें आपको देखने में तो आज का बड़ा फैसला करतारपुर कॉरिडोर का दिखता होगा, परंतु उससे भी जो बड़े फैसले हैं उसमें हैं जो सुल्तानपुर लोधी नाम से एक स्थान पंजाब में है जहाँ गुरु नानक देव जी ने 14 वर्ष अपने जीवन के शुरू के बिताए, जहाँ पे ये माना जाता है कि जो सिक्खी की दात है, जो बानी की दात है, वो वहाँ से काली बई जो नदी बहती है उसमें से गुरु नानक देव जी 3 दिन रहे, वहाँ से उनको मिली। जो दुनिया भर को सिक्खी का संदेश गया, भाईचारे का संदेश गया, वो सुल्तानपुर लोधी से मिला और भारत सरकार ने सुल्तानपुर लोधी को लेकर भी बहुत बड़ा फैसला किया, क्योंकि दुनिया भर में ननकाना साहब के बाद कोई बड़ा शहर ऐसा माना जाता है जहाँ बहुत मान्यता है या लोगों की बहुत श्रद्धा भाव रहती है गुरु नानक नाम लेवाओं को, वो सुल्तानपुर लोधी है। सो देयर इज अ बिग डिसीजन बीइंग टेकन ऑन दैट आल्सो and there are many other decisions being taken. This is a consecutive third day where decisions are being taken or happenings are happening whether it was the government of India by Modi ji's government on issues related to Sikhs. 3 days back issue of 1984 SIT which was constituted by Government of India, Modi ji's government, could get 2 people conviction. Today, another big decisions have been taken by the cabinet. I'll request Sardar Trilochan Singh ji to brief you all on all what decisions has been taken because he's the member of the National Committee on the celebration of 550 years of Guru Nanak Dev ji. So he'll brief you on that and I'll wherever need be, I'll add to that. Sardar Trilochan Singh ji. नमस्कार। गुरु नानक साहब का 549th बर्थडे टुमारो है और 550th बर्थडे नेक्स्ट ईयर नवंबर 12 को है। तो फ्रॉम टुमारो वी स्टार्ट दिस ईयर कि गुरु नानक साहब जी के जो 550 वर्ल्ड वाइड इसके लिए प्रिपरेशन हो रही हैं
उसका कल स्टार्ट है. सो वी फील कि भारत सरकार ने आज इतना बड़ा गिफ्ट दिया है हमें, बिकॉज गुरु नानक वाज बॉर्न इन ननकाणा साहब इन 1469 विच इज इन पाकिस्तान. फ्रॉम ननकाणा साहब ही शिफ्टेड टू सुल्तानपुर लोधी. सुल्तानपुर लोधी में ही गुरु नानक जी को, जिसको हम कहते हैं कि रिवील्ड मैसेज परमात्मा का आया कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, वी आर ऑल ब्रदर्स, ये मैसेज सुल्तानपुर लोधी से गुरु नानक का दुनिया को गया. उसके बाद फॉर 20 ईयर्स गुरु नानक साहब इज द ओनली प्रॉफिट इन द वर्ल्ड हु ट्रेवल्ड एंड ट्रेवल टू कन्वे मैसेज ऑफ गुडविल एंड इंटरफेथ. एंड दिस ट्रेवल ही वेंट टू मैनी कंट्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम लंका, श्रीलंका टू सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना, नेपाल टू तिब्बत, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सब कंट्रीज गुरु नानक साहब गए उस वक्त 500 साल पहले ऑन फुट. ही ट्रेवल एंड ही विजिटेड ईच रिलीजियस श्राइन इन इंडिया, चाहे द्वारका है, चाहे कहीं उड़ीसा में पुरी है, पुरी मंदिर है, कहीं जब सब जगह गए, हरिद्वार गए टू कन्वे मैसेज. लेकिन जो लास्ट 20 ईयर्स है वो करतारपुर, ही एस्टेब्लिश न्यू सिटी, उसका करतार, करतार मीन गाड, गाड के नाम पे शहर बसाया. ये रावी दरिया के पार है. अब ये रावी दरिया इज अवर बॉर्डर, रावी से उस तरफ करतारपुर है. ही स्पेंट 20 ईयर्स देयर और जो सिख धर्म की फॉर्मेशन है वो वहां हुई. वहीं गुरु नानक लिव्ड एज ए कॉमन मैन, एज ए फार्मर, हल भी चलवाया और वहीं से सिख धर्म का सब कुछ किया. नाउ फॉर अस आफ्टर पार्टीशन ये दो प्लेस पाकिस्तान रह गए, हिज बर्थ प्लेस एंड हिज लास्ट रेस्टिंग प्लेस करतारपुर. नाउ सिंस करतारपुर इज जस्ट अक्रॉस बॉर्डर, इधर एक गांव है डेरा बाबा नानक, जो गुरु नानक साहब के नाम का उनके लड़के बाबा श्री चंद ने बसाया था. लोग क्या करते हैं, वहां खड़े होके उधर जाके गुरुद्वारा वहां से नजर आता है तो दर्शन करते हैं. बट फॉर लास्ट 70 ईयर्स हर सिख हैज बीन डिमांडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के एक कॉरिडोर बना दो ओवर द रिवर रावी, ताकि हम जाके वहां दर्शन कर सकें. तो आज कैबिनेट हैज डिसाइडेड टुडे फर्स्ट टाइम कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बिल्ड द कॉरिडोर, एंटायर एक्सपेंडिचर विल बी बॉर्न बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ये बहुत बड़ा ऑन द ईव ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ दिस 550th बर्थडे ऑफ गुरु नानक, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है टू ऑल दोज हु बिलीव इन गुरु नानक, हु आर फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक. अकेले सिख हम जैसे ही नहीं है, एंटायर सिंधी कम्युनिटी, अभी जो शादी इटली में हुई, जो सारी दुनिया में लोग देख रहे थे वो सिंधी है, उसकी वेडिंग भी एज ए सिख राइट से हुई. तो सिंधी सारे गुरु नानक साहब को ही मानते हैं, चाहे वो कहीं दुनिया में रहते हों. तो ये मैं आज बीइंग ए सिख एंड हैविंग सम पोजीशन अमंग माई कम्युनिटी, तो वी आर थैंकफुल टू मोदी जी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि बहुत बड़ा गिफ्ट कॉरिडोर का दिया है. इससे क्या होगा, परहैप्स इट विल बिकम ए टूरिस्ट रिकॉर्ड बन जाएगा कि करोड़ों लोग, पंजाब की जो पॉपुलेशन है, ईच एंड एवरीबॉडी विल गो, दे विल क्रॉस द ब्रिज एंड गो टू हैव दर्शन ऑफ गुरुद्वारा. तो ये एक वर्ल्ड की टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगी कॉरिडोर ऑफ करतारपुर. बहुत बड़ा ये आज ये हुआ है एंड वी होप कि विद इन ए ईयर भारत सरकार इसको करे. और हम भी अब पाकिस्तान सरकार से भी अब रिक्वेस्ट करते हैं, उन्होंने कहा तो बहुत कुछ है कि जो पोर्शन उनके इलाके में आएगा उसको भी वो कंप्लीट करें, ताकि लोग वहाँ दर्शन करने जा सके. आफ्टर ऑल गुरु नानक मैसेज इज दी कि हम सब एक गाड के, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, कि ईच एंड एवरी वन इज इक्वल. सो इक्वलिटी ऑफ रिलीजन, रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन इज द मैसेज ऑफ गुरु नानक. एंड इन दीज डेज व्हेन सो मैनी बिकरिंग, सो गुरु नानक मैसेज ऑफ पीस और सब धर्मों को बराबर राइट, ये दुनिया भर में जाएगा. और हमें आज खुशी है कि भारत सरकार ने एक तो ये किया, लेकिन दूसरा जो डिसीजन किए हैं वो भी बहुत ही नॉट ओनली फॉर द सिख, फॉर एंटायर इंडियन एंड अदर ह्यूमैनिटी के लिए भी किए हैं. एक फैसला किया उन्होंने कि जो जगह सुल्तानपुर लोधी है, जैसे मैंने कहा, उस शहर में की डेवलपमेंट भारत सरकार विल पे फुल अटेंशन. वहाँ गुरु नानक
एक सुल्तानपुर लोधी में एक गुरु नानक पिंड बाबा नानक एक बचाया जाएगा जिसमें के सारा म्यूजियम और हर चीज उसमें रखी जाएगी और वो जो रिवुलट है उसका वही नदी नाम है उसकी सारी अपकीप भारत सरकार करेगी। और उसके अलावा भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि गुरु नानक के नाम पे चेयर्स इन वेरियस यूनिवर्सिटीज और एक इंटरफेथ इंटरनेशनल सेंटर पंजाब में गुरु नानक साहब के नाम का डेवलप किया जाएगा। और उसके अलावा न्यूयॉर्क लंदन और कनाडा में भी ये जो यूनिवर्सिटी के साथ लिंक करके वहाँ भी ऐसे ही किएंगे। एक और किया फैसला कि यूनेस्को जो वर्ल्ड बॉडी है जो गुरु नानक वर्सेज है ये गुरु ग्रंथ साहब में एक शायद आप सबको ही नॉलेज है कि गुरु ग्रंथ इज रिटन बाई अवर गुरुज दैट इज परहैप्स द ओनली होली ग्रंथ जो खुद हमारे पैगंबरों ने गुरु ने लिखा और उसमें मुस्लिम सेंट हिंदू सेंट सूफी सेंट सब की बानी है। बाबा फरीद भी है भगत नामदेव भी है कबीर भी है रविदास है। तो उसके सिलेक्टेड वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यूनेस्को को भेजेगी ताकि दुनिया की डिफरेंट लैंग्वेज में गुरु नानक के जो मैसेज टू द ह्यूमैनिटी है वो प्रिंट किया जाए। भारत सरकार ने यह भी फैसला किया है। ये डाक टिकट काइन तो है ही। एक उन्होंने कहा कि ट्रेन चलेगी इंडिया में विच विल कनेक्ट ऑल द प्लेसेस वेयर गुरु नानक साहब विजिटेड इंडिया में ताकि पिलग्रिमेज वालों को इसके लिए वहाँ जाने का मिले। तो ये कई और डिटेल्स हैं बहुत लेकिन व्हाट वी फील कि दिस मैसेज इज अ वेरी गुड मैसेज बिकॉज ये इतनी देर से हमारी डिमांड थी कि भारत सरकार ये कॉरिडोर करे और आज कैबिनेट ने ये सारे पास किए हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल क्योंकि अभी कल परसों ही 34 ईयर्स के बाद एक केस में किसी को फांसी हुई 5,000 सिख यहां गलियों में मारे गए जिनको आज तक हम रो ही रहे थे कुछ हुआ नहीं एटलीस्ट वन केस एंड वन डेथ सेंटेंस। ये हम नहीं कहते भी किसी बेगुनाह को सजा दे दो ये भी नहीं चाहते कि हर एक को फांसी लेकिन इतना बड़ा हादसा हो विच इज ए ब्लैक स्पॉट ऑन अवर इंडियन सिस्टम में कि 5,000 आदमी कैपिटल सिटी में मारे जाएं और हो कुछ ना एटलीस्ट नाउ केसेस आर बीइंग रीओपन एक एसआईटी कमेटी बनवाई बहुत उसका दोबारा रीओपन हुए और उसमें पहला केस जिसका डिसीजन कल परसों हुआ है तो उसको भी हमने वेलकम किया है। तो ये जो आज का फैसला उसी के वेलकम के लिए आपको मैं कन्वे करने के लिए गुरु नानक के नाम का सबको बधाई हो और गुरु नानक नाम सबको पीस लाए और इंडिया में यूनिटी और इसमें सबकी प्रोग्रेस हो यही हमारा उद्देश्य। थैंक यू। एक वेलकम एक बड़ी बात है कि ये मांग पिछले 70 साल से रुकी हुई थी कॉरिडोर वाली मुझे तो रोज जब भी मिलते थे जब भी कहते आज नहीं पिछले 20 साल से संबंध है लगातार ये कहते थे कब खुलेगा कॉरिडोर कभी ऐसा हो पाएगा तो 70 साल पुरानी मांग थी उस पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट ने फैसला लिया ये बहुत बड़ी बात है और ये कह दिया कि हमारी तरफ से हम कॉरिडोर खोल रहे हैं उधर से पाकिस्तान सरकार उस पर पहल करे और उसमें चिंता करे कि आगे कॉरिडोर उनका जो पार्ट है कॉरिडोर का वो चलाएंगे उसको। अभी को 6 महीने पहले एक डेपुटेशन हम पाकिस्तान हाई कमिश्नर के पास गए थे जिसमें साहब सुखबीर सिंह बादल भी थे मनजीत सिंह जी के आर पी सिंह वहाँ उनको दिख के दिया है कॉरिडोर का खोलो। हम तो ये भी कहते रहे कि खर्चा करना हो तो हम खुद सिख आर विलिंग टू स्पेंड इवन तो बहुत कुछ हम ऑलरेडी क्योंकि ननकाना साहब इज द बर्थ प्लेस वहाँ भी पाकिस्तान शुड अलाउ अस कि वहाँ एक बहुत देर से डिमांड थी वहाँ शायद आपको मैं बता दूँ कि ननकाना साहब गुरुद्वारे के साथ 10,000 एकड़ जगह महाराजा रणजीत सिंह लगा के थे जो आज भी है वो 10,000 एकड़ की जो इनकम है वो सारी पाकिस्तान सरकार के एक डिपार्टमेंट में जमा पड़ी है। 10,000 एकड़ लैंड इज अटैच विद गुरुद्वारा ननकाना साहब। हम कई देर से डिमांड कर रहे हैं कि उस मनी का एक वहाँ यूनिवर्सिटी बना दो तो वो यूनिवर्सिटी का बेनिफिट लोगों को होगा पर गुरु नानक यूनिवर्सिटी शुड कम अपने ननकाना साहब। तो बहुत डिमांड हम बड़ी बार कर चुके मैं भी कई बार पाकिस्तान जाने का मौका मिला प्राइम मिनिस्टर को मिले वहाँ सबको यही कहते रहे कि ननकाना साहब डेवलप करो ये वर्ल्ड टूरिस्ट सेंटर बन जाएगा। ये देखो अभी हमारा एक जगह हजूर साहब है नंदेड़ जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराष्ट्र में द लास्ट रेस्टिंग प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह वो शहर डेवलप हुआ आज से 20 साल पहले। आज वहाँ देखो
every day 10,000 Sikh pilgrim jate hain, ye record aaya aur naya shahar bana hai. After all, tourism, jo pilgrimage tourism hai, ye bahut bada economic benefit hota hai. The Pakistan can take that benefit also. Ab Kartarpur ka bhi unko milega, kyunki jo crorodon log jayenge matha tekne, wo wahin kharch karenge kuch, uska benefit wahin hoga. Wo paisa wapas India nahi aayega, wo wahan rahega. Lekin ye logon ki jo bhavna hai, वो भारत सरकार ने की है और ये पाकिस्तान सरकार भी उसका जो उसका हिस्सा है वो करे, यही हमारी अपील है. मैं इसमें एक बात जोड़ दूं, नांदेड़ साहब में भी अभी भारत सरकार ने फैसला किया, वहां पे अब डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से शुरू की. ये कई सालों की डेली फ्लाइट चला दी, कई सालों से मांग थी कि नांदेड़ साहब. तो ये लगातार सिख विषयों पे, हाँ मुझे लगातार सिख विषयों पे भारत सरकार काम कर रही है, उसका हम स्वागत करने के लिए बैठे. जी वो सबके सब जो देखो, मैं एक बता दूं. सुनिए, आप लोग मीडिया वाले हमेशा एक आध फोटो मिल जाती है. देखो, खालिस्तान नाम की कोई मूवमेंट सिखों में नहीं है. 5, 10, 20, 100 आदमी हर कौम में, हर दुनिया में ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे पोस्टर लगवाने मिल जाते हैं. अभी पंजाब में 3 आदमी पकड़े गए कि उनकी ड्यूटी ये थी कि उनको पैसे मिलते थे और पोस्टर घर से बना के बाहर लगाते थे. आप जब पोस्टर लग जाएगा कहते हैं मौजी उस गांव में लग गया. ये जो पोस्टर वहां लगाते हैं, एक बात समझिए, जो पाकिस्तान में सिख रह रहा है उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 3,000 है, टोटल 3,000, और बड़े गरीब हैं, बहुत गरीब हैं. सारे पाकिस्तान में 3,000 सिख हैं. अब वो इतने गरीब हैं कि कोई ना कोई उनमें से 2-4 को आईएस लोग खड़ा करके फोटो लेते हैं. एक चावला दिखाते हैं आपको. अब एक चावला हाउ ही रिप्रेजेंट द 2 करोड़ सिख, वो खड़ा है, हम कहते देखो जी सिख खड़ा है. तो ये बातें जो पाकिस्तान में पोस्टर लगे, अगर हम लोग जाएंगे तो पोस्टर की वैल्यू ही खत्म होती है. अब यही तो है ना कि अगर हमने जाना ही नहीं, वहां पाकिस्तान वाले जो मर्जी लगाते रहे, उसकी बदनामी तो हमें, वो तो ये शो कर रहे हैं ना कि सिखों में मूवमेंट है. अब ये अब बहुत इशू चल रहा है 2020 कि लंदन में एक हो गया. भाइयों, दुनिया भर में मैं भी बहुत घूमता हूं, सिख इकोनॉमिकली इज सो मच इन्वॉल्व इन हिज प्रोफेशन. You have seen that कि कितने हम इकोनॉमिकली बहुत आगे जा रहे हैं. अब 6 लाख सिख यूके में है, 5 लाख कनेडा में है, 5 लाख अमेरिका में है. None of them उसमें 2020 जैसे कहते हैं 2020 सिख भी मिल जाते हैं जो ये स्लोगन देंगे. बट द कम्युनिटी टोटल इररिस्पेक्टिव अवर पार्टी एफिलिएशन, चाहे किसी पार्टी के हो, नोबडी इज अगेंस्ट इंडिया. वी स्टैंड फॉर इंडिया, वी डाई फॉर इंडिया. उसमें हमें कोई दोबारा डिफेंस देने की जरूरत नहीं है, नॉट टू प्रूव करने की जरूरत. जब जरूरत पड़ी, एक बात मैंने अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब के घर फंक्शन हुआ था, मैंने आज फिर आपको भी, क्योंकि आप तो सारे, मेरी बड़ी एज है, मैं पाकिस्तान बार नू, जब पाकिस्तान बन रहा था, आज मीडिया को, मैं राष्ट्रपति भवन में प्रेस सेटी रहा हूं, तो मैं, मुझे आज पहली बार बड़ी देर के बाद मौका मिला है. जब इंडिया पार्टीशन हो रही थी तो हम कहते हैं 2 नेशन थ्योरी, तो अंग्रेज ने 3 नेशन थ्योरी की थी. उस वक्त क्या था कि सिखों को 3rd नेशन मान लिया, और जब इंडिया की पार्टीशन के सिग्नेचर होने थे उसमें जिन्ना, नेहरू और बलदेव सिंह के साइन है. ये हिस्टोरिक रिकॉर्ड है कि लंदन में 3 लोग बुलाए गए टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया कि इंडिपेंडेंस हो रही है और पार्टीशन हो रही है. उसमें एक सिख था, बलदेव सिंह. क्यों? अंग्रेज वॉन्टेड सिख टू बी ए सेपरेट आइडेंटिटी एंड सेपरेट समथिंग. और उनकी चाल थी, और इसके सारा अब तो बुक्स आ चुकी हैं, कि सिख शुड गो विद पाकिस्तान. अगर उस वक्त डिसीजन ये था कि जहां मेजॉरिटी मुस्लिम होगी दैट विल गो टू पाकिस्तान, अगर सिख पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के साथ जाते तो सारा पंजाब पाकिस्तान में रह जाता और उसकी बॉर्डर गुड़गांव होती, अब अटारी है. तो ये डिसीजन सिखों ने किया कि वी गो फॉर इंडिया. जिना के जो कागज थे वो छोड़े, और इसके लिए हमारी लीडरशिप को अब क्रेडिट दो, कितना बड़ा उस वक्त फैसला किया मास्टर तारा सिंह थे हमारे लीडर, कि वी गो फॉर इंडिया विदाउट एनी कंडीशन. तो ये बहुत, ये जो खालिस्तान तो बहुत छोटी बात है, ये बातें कोई सिखों के मन में नहीं है. ठीक, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा, वो सबके सब जो लोग ऐसी मांग कर रहे हैं वो सिख विरोधी हैं. अभी तो राज जी ने बता दिया, वो सबके सब सिख विरोधी हैं और भारत देश के विरोधी हैं, सीधी बात है. देखिए, हम
मैं मैंने कहा कि सिखों की डिमांड है, मैं पाकिस्तान जाता हूं मैं भी यही डिमांड करता हूं। कई बार हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर गए पंजाब, जब कोई सिख जाता है यही डिमांड करता है, पब्लिसिटी कोई किसी को मिले, ये सिखों की डिमांड, नॉट ओनली सिखों की, ऑल दोज हु बिलीव इन गुरु नानक, तो ये डिमांड सब की। मैंने कहा ना ये हमारा डेपुटेशन जो गया है, ये एक मैं कटिंग में लाया हूं 3 महीने पहले, हम पिछले साल की बात, पिछले साल पाकिस्तान आई दिनों में गए थे दे के आए, तो ये किसी इंडिविजुअल की डिमांड पे काम नहीं हो रहा, दिस इज भारत सरकार हैज टेकन डिसीजन नॉट पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये तो बहुत बड़ी बात हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूडे डिसाइडेड कि वी बिल्ड द कॉरिडोर, तो ये बहुत बड़ा, आई थिंक इससे बड़ा मैं तो समझता हूं इतना बड़ा गिफ्ट जो गुरु नानक नाम पे किया गया है, एंटायर कम्युनिटी ऑल दोज हु वर्शिप गुरु नानक दे आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत अच्छा जी।